मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। लोकसभा चुनाव सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए आज प्रथम चरण के नामांकन के तीसरे दिन नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार पूर्व जज द्वारा अपने समर्थकों के साथ कलेक्टोरेट पहुंचकर नामांकन कराया गया। बता दें कि नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, बसपा सुरेंद्र पाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी से ओम कुमार और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार की चुनाव में जबरदस्त टक्कर होने वाली है। नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचे प्रत्याशी मनोज कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का राज पूर्णतया कायम हो और मेरा मुकाबला वर्तमान सरकार से है जो कि जुल्मी सरकार है। इंडिया गठबंधन के नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी मनोज कुमार के साथ समाजवादी पार्टी के नजीबाबाद के विधायक तस्लीम अहमद और नगीना विधायक मनोज पारस सहित समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रत्याशी बनाया है, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मेन मुद्दा इस मुल्क का है कि भारत का संविधान का राज पूर्णतया कायम हो। आपका मुकाबला किससे मान रहे हैं आप अपना मुकाबला? जो वर्तमान सरकार है उससे, जुल्मी सरकार। चंद्रशेखर आजाद आपके सामने खड़े हैं, पहले गठबंधन में थे वो, तो क्या आपको डैमेज करेंगे वो या आपको लाभ होगा उससे? आपको किसने बताया कि गठबंधन में थे? पहले थे, खतौली चुनाव में चुनाव ने लड़वाया था, उस खतौली में उस चुनाव हुआ था, चंद्रशेखर जी ने गठबंधन में थे उस समय जी। आपको शायद जानकारी नहीं है जी। हाँ तो अब बताओ किस बारे में? यही बताओ ना कि चंद्रशेखर पहले आपके साथ थे खतौली उपचुनाव में, अब आपके खिलाफ हैं, तो इससे आपको फायदा होगा? पता नहीं खिलाफ है कि नहीं है, लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों को चयनित किया गया है और हम लोग इंडिया गठबंधन और पीडीए की जो मूल भावना है जो भारत के संविधान में है उसको पूर्णतया हम लोग जमीन पे ले आने का काम करेंगे। अच्छा आप बाहरी प्रत्याशी हैं तो आपका किसने कहा करें? मैं बाहरी प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं नगीना में मेरा रिहाइश मैंने ले लिया है और धामपुर में रह रहा हूँ, 10 महीने की करीब सेवा की है। बाहरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे, मुझसे ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है और आप लोगों के जरिए और इस गैप को बढ़ाया जाता है। लोकसभा का चुनाव जो है कहीं ये नहीं लिखा है भारत के संविधान में कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर्टिकुलर जगह का हो और आके वही लड़ सकता है। आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर। आपको खबर हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। नमस्कार, देखते रहिए धनगर शक्ति न्यूज।